गदर 2 मूवी आने वाली है और हरीश जी ने गदर मूवी के शूटिंग लोकेशन का वीडियो बना दिया है अपने। अब पुलिस वालों ने यहाँ पे मना कर दिया कि वीडियो वगैरह नहीं बनाई, कुछ क्या पता क्या रीजन था, उन्होंने मना कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवल सफूका की एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों आज का वीडियो एक इंटरव्यू वीडियो है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। मेरे साथ में यहाँ पे हरीश सोनी जी हैं, इनका एक यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर ये रेगुलर कंटेंट डालते हैं। तो कौन है हरीश सोनी जी, ये किस तरह का कंटेंट डालते हैं, इस तरह का कंटेंट ये किस लिए डालते हैं, इन सब चीज़ों पे हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा और एंड तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम हरीश जी से बातचीत स्टार्ट करते हैं। तो हरीश जी, सबसे पहले आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए, हमारी ऑडियंस को कुछ बताइए। जी, मेरा नाम हरीश सोनी है जी, और मेरा जो जन्म है वो सीकर डिस्ट्रिक्ट के रामगढ़ शेखावाटी तहसील में हुआ। सीकर में आपका जन्म हुआ, रामगढ़ शेखावाटी में जी। तो अगर कोई भाई शेखावाटी से देख रहा है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हाँ जी, और जो मेरी स्टडी है और वो हरियाणा में हुई है। और अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जन्म तो राजस्थान के सीकर में हुआ है और स्टडी हरियाणा में कैसे। तो फिर जब 2 साल का था तो पापा जी का तो बिजनेस है वो वहीं सेटअप हो गया था हरियाणा में, तो वहीं चले गए थे हम। उसके बाद में फिर स्टडी वगैरह वहीं हुई, 2016 तक तो वहीं रहते थे। उसके बाद में फिर राजस्थान में शिफ्ट हो गए किसी भी रीजन से। उसके बाद में फिर वहीं जॉब जॉब भी करने लग गया था साथ में। फिर अभी भी तो पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ और एक यूट्यूब चैनल है मेरा। ये YouTube चैनल का नाम क्या है आपका? हरीश सोनी ब्लॉग। दोस्तों हरीश सोनी ब्लॉग, वैसे आपको इस चैनल का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के अभी जाके आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हरीश जी को सपोर्ट करिए। तो आपने ये चैनल कब स्टार्ट किया था? ये चैनल मैंने 2021 अगस्त में। अगस्त में क्या? तो इसको वीडियो बनाना स्टार्ट किया था चैनल, तो हो सकता है ये पुराना हो कि 1 साल पुराना हो, लेकिन मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था अगस्त के अंदर किया था 2021 के अंदर। तो हरीश भाई, अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि आपका जो YouTube चैनल है वो मैंने देखा है, उसके ऊपर आप जो कंटेंट डाल रहे हो बेसिकली जो मूवी रिलीज होती है उसकी लोकेशन के ऊपर आप वीडियोस बनाते हो, तो आपके मन में इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का आइडिया कहाँ से आया, या फिर इसका रीज़न क्या है कि आप इसी टॉपिक पे जो है वीडियो बनाते हो? पहले हरियाणा के अंदर जब फिल्में आती थी, एक गुलामी फिल्म आई थी सन 1985 आपके शेखावाटी में शूट हुई है। ओके ओके, मुझे पता है। तब से वो टीवी पे फिल्म आया करती थी तो पापा जी फैमिली वाले बोलते थे, मैंने ये शूटिंग है, हम गांव में रहते थे तो मैंने देखता था। मैं ये वो अपने उस जगह पे हुई थी गांव में, तो थोड़ा इंटरेस्ट आता था उस वक्त। तो फिर उसके बाद में मैं जब हम गांव आते थे भी फेस्टिवल पे या कभी भी किसी शादी समारोह में भी गांव आते थे, तब मैं वहाँ जगह पे जाया करता था, तो इंटरेस्ट आता था, काफ़ी बार जाया करता था। तो गाइस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इनका जो गांव था वहाँ पे एक मूवी शूट हुई थी गुलामी, और जब कभी भी अपने गाँव जाते थे तो लोग बोलते थे कि भैया यहाँ पे ये गुलामी मूवी जो है शूट हुआ है, और वहीं से इनका जो इंटरेस्ट है इन चीज़ों में जाग गया। ठीक है, तो हरीश जी अभी आपकी जो है फ्यूचर की प्लानिंग क्या है, क्योंकि मैं आपकी वीडियो देखा मैंने तो मोस्टली जो लोकेशन है वो राजस्थान के हैं, तो फ्यूचर की क्या प्लानिंग है आपकी? फ्यूचर की सर, अभी आप राजस्थान में ही काम करोगे, राजस्थान से बाहर भी जाओगे या क्या है प्लान? राजस्थान से बाहर भी जाऊंगा। बाहर जाओगे आप? पूरे इंडिया के अंदर नहीं, ऑल वर्ल्ड के अंदर जो बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग हुई है वो ऑल वर्ल्ड के अंदर होती है, देखो आप बताओ। लेकिन अभी इंडिया से बाहर जाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर तो जाना पॉसिबल है कि राजस्थान से कहीं भी जाओ, अदर स्टेट में, और यूपी हुआ, गुजरात हुआ, हर जगह पे शूटिंग होती है फिल्मों की, होती आई है ओल्ड फिल्मों की और अभी भी हो रही है, तो फिर अदर बाहर भी जाएंगे राजस्थान से। नहीं, मैंने देखा आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, और दोस्तों अगर आप इनके चैनल पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जितनी भी मूवियों की शूटिंग होती है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस जगह पर ये वाला सीन शूट हुआ था, इस जगह पर ये वाला सीन शूट हुआ था, तो ये सब चीज़ें ये करते हैं। तो हरीश जी, मेरे मन में एक क्वेश्चन हो रहा है, तो जब भी अपन कोई काम करते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है आदमी को, तो आपकी लाइफ में इस चैनल को स्टार्ट करने के बाद में कंटेंट के रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आई है? जब वीडियो बनाने जाते हैं आप तो क्या लगता है यार ये 2-3 प्रॉब्लम है मेरे लाइफ में जो मुझे आ रही है और आती रहेगी,
कौन कौन सी प्रॉब्लम है वो? सबसे पहले तो मनी की है सर। अच्छा, मनी की, मनी की है, उसके बाद में टाइम की भी है साथ में। मनी का कुछ बता पाएंगे कैसे? मनी का तो जैसे आप कहीं लोकेशन पे शूटिंग लोकेशन पे जाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो मनी देखना पड़ता है कि मनी है या नहीं है। हाँ सर, या ट्रैवलिंग का खर्चा। और जॉब करते हैं दो दिन, अगर कहीं शूटिंग पे चले गए लोकेशन एक्सप्लोर करने तो फिर दो दिन की छुट्टी भी मान लो लग जाती है। दो दिन की छुट्टी भी लग जाती है, उसके बाद में फिर मनी भी होना चाहिए। और फिर दो दिन की छुट्टी हो गई और मनी हो गया, ये मान के चलिए आप। और फिर तीसरी बात, कई जगह पर शूटिंग की परमिशन नहीं मिलती है। परमिशन नहीं मिलती है, ये गाइस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैंने देखा है जितने भी ट्रैवल ब्लॉगर हैं इनके साथ तो ये बहुत बड़ा चैलेंज आता है। एक बहुत बड़ा यूट्यूबर हैं, खैर उनका नाम तो चलो बाद में डिस्कस करेंगे, बट उन्होंने मुझे ये बताया कि जब भी वो शूटिंग करते हैं ना, रिकॉर्डिंग करते हैं, तो उन्हें बहुत चैलेंज आते हैं, परमिशन की तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। तो कहीं ऐसा हुआ है कि आप रिकॉर्ड करने गए और आपको मना कर दिया भैया तुम यहाँ जाओ, यहाँ नहीं करना? हाँ हुआ है ना, मेरे पास जयपुर में एक लोकेशन पर हुआ था। हाँ, नाम तो नहीं लेना चाहूंगा लेकिन एक शूटिंग जयपुर में भी काफ़ी मूवीज की, जयपुर में तो बहुत ज्यादा फिल्मों की शूटिंग हुई है, गानों की शूटिंग हुई है। कुछ खाली मूवी का नाम बता सकते हैं कौन सी मूवी थी जिसकी लोकेशन? शुद्ध देसी रोमांस की हुई थी। अच्छा, हाँ, तो शुद्ध देसी रोमांस तो ऑलमोस्ट जयपुर में रिकॉर्ड हुआ है, ऑलमोस्ट जयपुर में हुई। हाँ, तो शुद्ध देसी रोमांस तो मतलब मूवी भी ठीक ठाक है, अच्छी मूवी है, सुशांत सिंह राजपूत की। तो जब आप उस मूवी की शूटिंग के लिए वहाँ गए तो आपको मना कर दिया कि भैया आप यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो? हाँ, वो एक्चुअल में क्या, एक दो यूट्यूबर्स पहले पहुंच चुके थे वहाँ पर और उन्हीं की वीडियो देख के मैंने सोचा मैं भी बनाऊँ, तो मैं वहाँ गया भी था। तो फिर वो एक बार भी नहीं गया, दो बार भी नहीं गया, तीन बार गया मैं वहाँ पे। तो मेरे को तीसरी बार में वो बोला कि मैं अब पुलिस वालों ने यहाँ पर मना कर दिया कि वीडियो वगैरह नहीं बनाई, कुछ क्या पता क्या रीज़न था उन्होंने मना कर दिया। तो फिर मैं दोबारा चौथी बार में नहीं गया। मतलब कोई बात नहीं, जब आप वहाँ पर वीडियो बनाने गए तो पुलिस वालों ने आपको मना कर दिया? नहीं नहीं, वो जो वहाँ के जो ओनर है, वो जो घर के ओनर है, उन्होंने बोला मेरे को कि पुलिस वालों ने मना कर रखा है। अच्छा, पुलिस वालों ने बोल दिया कि अब यहाँ के कोई भी वीडियो नहीं बनाएगा? हाँ भाई, हो सकता है नहीं बोला ले अगले का जो भी है। देखो दोस्तों, यहाँ पे दोनों चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि ये अपना कॉन्टेंट बनाने जा रहे थे, कोई गलत काम नहीं कर रहे थे। लेकिन सेकेंड चीज ये भी होती है, अगर मेरा खुद का घर है और मैं वहाँ पर कोई वीडियो बना रहा हूँ और बार बार आदमी आ रहा तो शायद मैं इरिटेट हो भी जाऊँ। तो दोनों चीजें हैं और ये चैलेंज आपको मेरे ख्याल से हमेशा ही आएगा। जब कभी भी आप आगे जाएंगे किसी भी चीज़ को आप करेंगे तो। अच्छा हरीश जी, मेरा एक चीज़ और था कि अगर आज की तारीख में कोई भी यूट्यूबर फिल्मों की लोकेशन की वीडियो बनाता है तो उसके लिए उसे किन किन चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए और उसके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? सबसे पहले तो इंटरेस्ट होता है सर कि अब उस चीज़ में अपने को इंटरेस्ट है या नहीं है। सबसे पहले वही चीज़ है, पैशन होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए कि भाई ये काम मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सेकंड, फिर टाइम भी होता है और आप, मैंने जैसा आपको बताया पहले कि मनी भी होना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। यूँ नहीं है कि एक दो वीडियो डाली और पैसे आने स्टार्ट हो गए या मान लो भाई वीडियो चल पड़ी व्यूज़ आ गए, ऐसा नहीं है। उसमें थोड़ा धैर्य रखना भी ज़रूरी है, सब्र रखना ज़रूरी है, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ है आपका इंटरेस्ट, कि क्या आपका इंटरेस्ट इस चीज़ में है या नहीं है। हरीश जी का इंटरेस्ट इसलिए था क्योंकि इनके गांव में ये सब चीज़ें शूटिंग होती थी तो इंटरेस्ट जग गया। तो आपको देखना पड़ेगा आपका किस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है, और उसके बाद में अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं तो आपको पैशंस रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हरीश जी आपको खुद बताऊँ, मेरा जो ये जो चैनल है अभी जिस पर हम वीडियो देख रहे हैं ट्रैवल सफ़ू का जी, तो इसको भी मुझे मोनेटाइज कराने में लगभग मुझे शायद 10 महीने के आसपास का टाइम लग गया, 9 या 10 महीने के आसपास का टाइम जो मुझे लग गया था, और इसके ऊपर मैंने बहुत ट्रैवलिंग की। तो जो भी काम दोस्तों आप करेंगे सोशल मीडिया पे आने के लिए तो वहाँ पे आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और हरीश जी अभी जो है बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। एक गदर मूवी जहाँ शूट हुई थी वो भी आपने जगह दिखाई थी, मैं मुझे याद नहीं है, थोड़ा बताएंगे हमारी ऑडियंस को? क्योंकि मेरे ख्याल से गदर का अभी पार्ट 2 आने वाला है और उसकी शूटिंग लोकेशन के बारे में आपने कुछ ऐसा बताया था, क्या है थोड़ा सा बता दीजिए? वीडियो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है फिलहाल। अच्छा, मैं गया था रेवाड़ी। हाँ, हाँ। रेवाड़ी में स्ट्रीम लोको का एक बहुत बड़ा मतलब संग्रहालय है। हाँ। रेवाड़ी के अंदर तो वहाँ पर ये गदर फिल्म की जो शूटिंग हुई थी तो उसके अंदर जो ट्रेन है ना, वो ट्रेन यूज की गई थी गदर फिल्म के अंदर, वो ट्रेन अभी भी है और वो स्ट्रीम लोको इंजन वहाँ पर और भी मिल जाएंगे देखने को आपको, और भी काफी पुराने इंजन वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, काफी अच्छा संग्रहालय। वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। हाँ, संग्रहालय अच्छा है वो। तो दोस्तों गदर 2 मूवी आने वाली है और हरीश जी ने
गदर मूवी के शूटिंग लोकेशन का वीडियो बना दिया है अपने चैनल पे, तो जाइए और अभी के अभी आप इनके चैनल को विजिट करिए। तो हरीश जी, अपन और भी काफ़ी बातें करेंगे, अभी अपन चलेंगे ब्रेकफास्ट करने भी, ठीक है। बट दोस्तों, हम इस इंटरव्यू वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को प्लीज़ यार आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम ट्रैवल सफूका है इसको यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और हरीश जी, आपने मुझे अपना कीमती टाइम दिया, हमें इतनी सारी चीज़ें बताई, नॉलेजफुल चीज़ें जो मेरे भी कहीं ना कहीं काम आएगी, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और हरीश जी को यूट्यूब पे ज़रूर फॉलो करें, हरीश सोनी ब्लॉग के नाम से। हम आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।